शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं, अब कौनो हमसे माफी मांगेगा? पहले हमको श्रद्धा मारी, उसके बाद हमको अभय मारा, और तुम भी मारी अम्मा। बुड़बक कहीं का, दूरी लपड़ और मारेंगे खींच के, अगर ऐसा बुद्धिहीन काम दोबारा किया तो। जहां सुंदर लड़की देखा बस, अरे दिमाग पे थोड़ा काबू रखो। हमरा कर्जा कौन उतारेगा है? तुम्हारा बाप। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, अब ई घर ही हमारी इज्जत बचाएगा। इस घर का सब रुपया सोना पैसा हमको अपने लिए निकलवाना है, इसलिए आज से ना कोई गलत काम और ना ही कोई गलत तरीका लेना है, समझे कि नहीं? जिस गलत तरीके से उसने मुझे छुआ वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वो कह रहा था, मेरा विश्वास कीजिए अभय। श्रद्धा तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तुम कभी झूठ नहीं बोलती। ये दोनों भाई बहन एक नंबर के गवार हैं। अरे तमीज नाम की चीज ही नहीं है इनके अंदर। और चाची जी क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं? पर हमें बात तो उनसे करनी पड़ेगी, वरना इन बाहर वालों की वजह से घर वालों में गलतफहमी बढ़ती जाएगी। सही कह रहा भाई तू, पर मम्मी की बचपन की दोस्त थी, देखा नहीं उनके सामने कैसे भड़क सी गई थी। तनु जब भड़क गई ना तो हमारा काम ऐसे भी आसान हो जाएगा, और उसका आदर्शवादी बेटा अब है, अरे उसकी तो जान बचती अम्मा में। उसकी जान के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि अब है हमारे आगे पिघल जाए। जैसे कि अम्मा, जैसे कि मंदिर वाली पहाड़ी से उसको धक्का मारे और इन वक्त पर हीरो वाली एंट्री लेके हम उनका हाथ पकड़ ले, या फिर उनके कमरे में तेल गिरा देते हैं, जैसे ही पैर फिसलेगा तो उनकी होने वाली अनहार बहू उनको बचा लेगी। अरे अम्मा कहाँ सोच रही हो, मतलब कछु ऐसी दिशा में तुम्हारा दिमाग सोच रहा है ना, या तुम्हारे दिमाग में कोई और आग लगी है? हम तो ऐसे ही कह दिए थे। चुपचाप सुनो तुम दोनों, हमारी सहेली तनुजा रसोई में नवरात्रि की तैयारी कर रही थी, अचानक से चक्कर आया और उठी होश, लेकिन चूल्हा जलता रह गया और उससे जली तनुजा की साड़ी। और आग फैलती है और उनकी हीरोइन जैसी बहू अपनी सासू माँ को बचाने के लिए आग से खेल गई। बेचारी पायल अपनी सासू माँ को बचाते बचाते अपने हाथों को जला लिया। अम्मा एको बात पूछे, कहानी एकदम मस्त है, जबरदस्त, पर ये बेहोश करने वाला किरदार कौन है? बेहोश करने वाला अहम किरदार ये है, जब पूरा परिवार पूजा करने के लिए मंदिर जाएगा ना, तब हम कहानी को अंजाम देंगे। ठीक है अम्मा।
मम्मी जी को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कहानी बना रही हूँ, पर ये लोग ये सही लोग नहीं है। श्रद्धा तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ मम्मी से मंदिर से लौट के। हाँ, और इसमें मैं तुम दोनों के साथ हूँ। इन नौटंकियों को ना हम ही घर में टिकने नहीं देंगे। पंडित जी, ये माता रानी के लिए भोग का प्रसाद है, इसे चढ़ा दीजिए। अगर मम्मी भी आती तो कितना अच्छा होता, हम सब लोग साथ में पूजा करते। हमारी सहेली के परिवार की बेइज्जती करके ना तुमने बहुत ही गलत किया है, हम तुमको कभी नहीं माफ करने वाले। हाँ, माता रानी ये क्या दिखा मुझे, और ये घबराहट, नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कितनी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ, थैंक यू। लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप दिन भर काम करती रहती हैं। अरे हम तो बस हलवा बनाए हैं, बाकी का सारा काम तो तुमने ही किया है ना। अच्छा एक मिनट। हाँ, पहले जूस पीजिए। अरे अरे कितना काम करती हैं आप, थकती नहीं है? अरे जब तुम हमारी बहू बनके हमारे घर आओगी तो ये सब काम का भी तो मौका नहीं मिलेगा हमें। आप प्रसाद चला लीजिए, तब तक हम जाकर घर के मंदिर में आरती की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। बस आरती की घंटियां बजने से पहले ही आपके सर में बुढ़िया की घंटी बज जाएगी सासू जी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को
सुलझाती। श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।